डीएचए पर कोई कहीं पर भी पानी खड़ा हुआ हमें नज़र नहीं आएगा। ये सिस्टम यहाँ से मुकम्मल हो चुका है, तो यहाँ पर रोड के लेवल के लिए काम किया जा रहा है। और तकरीबन 70 से 72 किलोमीटर पर मोहित ये काम किया जा रहा है, एक स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज सिस्टम को मुतारिफ कराया जा रहा है। पिछले 8 महीने पहले स्टार्ट किया गया, जहां पर काम इस वक्त काफ़ी हद तक के मुकम्मल किया जा चुका है। अस्सलाम वालेकुम, ज़ुबा डिस्कवर में खुश आमदीद। इस वक्त मैं सीवीओ के साथ मौजूद हूं और यहां पर डीएचए वालों के लिए एक स्ट्रॉन्ग सेवरेज सिस्टम पर काम यहां पर आखिरी मरहले में चल रहा है। और आज मैं आप लोगों को यहां की जो सूरत हाल है वो शेयर करूंगा कि यहां पर इस वक्त काम की क्या पोजीशन चल रही है, कितने किलोमीटर का ये काम चल रहा है और यहां से कहां से शुरू हुआ है ये काम और कहां पर एंड हुआ है। इस वक्त आप देखें सामने आपको एक रूरल मशीन नज़र आ रही होगी और इससे थोड़ी सी आगे पर क्लॉक टावर भी है। यहां पर काम जो है वो आखिरी मराइल में चल रहा है। यहां पर अब सड़कों को लेवल किया जा रहा है, क्योंकि डीएचए का काम एक वाहिद काम ऐसा था बरसात के टाइम पर, तो आपको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर परेशानी फेस करने को हर साल मिलती है। अगले साल से ऐसा कुछ हमें नज़र नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज सिस्टम पर काम को किया जा रहा है और यहाँ पर मुकम्मल 72 किलोमीटर की सड़क पर नया सेवरेज सिस्टम मुतारिफ कराया जा रहा है। ये सेवरेज सिस्टम इस तरीके से होगा कि यहाँ बारिश हुई नहीं और यहाँ से पानी ख़त्म हुआ। डीएचए पर कोई कहीं पर भी पानी खड़ा हुआ हमें नज़र नहीं आएगा। ये सिस्टम यहाँ से मुकम्मल हो चुका है, काम यहाँ पर काफ़ी हद तक के मुकम्मल होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और मज़ीद मैं यहाँ से आगे की तरफ जाऊँगा जहाँ से ये काम होता हुआ आ रहा है। पहले मैं यहाँ की सूरत हाल आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। यहाँ पर ये मशीन काम कर रही है और ये यहाँ पर ये देखें, ये सामने ही पूरा ये सामने से नाला जो है सामने से आ रहा है, ये भी मैं इससे आपको दिखाऊँगा। लेकिन थोड़ा सा क्लॉक टावर के साइड जो अभी इस वक्त काम चल रहा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। देखें यहाँ पर अभी इस वक्त करश वगैरह बिछाया जा रहा है यहाँ पर, और ये देखें ये पूरी जगह जो है लेवल किया गया है। जो आप नाले की सूरत हाल है वो ये है, जिस पर मैं चल रहा हूँ ये पूरा एक नाला है। ये 72 किलोमीटर पर मोहित नाला बनाया गया है, जो कोरंगी मेन कोरंगी रोड से ये जो नाले का जो काम है वो किया गया है। और ये पूरा मुकम्मल जितना भी डीएचए सिस्टम डीएचए जितनी भी डीएचए सिटी में घर है उन तमाम तर रिहायशियों को इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये इस वक्त यहाँ पर लेवल का काम चल रहा है। इसके साथ ये मैं आपको स्ट्रॉन्ग सिस्टम दिखाता चलूँ, क्योंकि आपको यहाँ पर मैं थोड़ा लेट आया हूँ क्योंकि मज़ीद मुसफरियाती काम की इसकी वजह से मैं आ नहीं पाया था। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को डिटेल के साथ बताऊँगा कि इस वक्त काम किस हिसाब से चल रहा है। और ये मैं पूरा काम बता दूं, तकरीबन 70 से 72 किलोमीटर पर मोहित ये काम किया जा रहा है, एक स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज सिस्टम को मुतारिफ कराया जा रहा है। यहाँ से मैं थोड़ा सा आगे की तरफ चलूँगा, ये देखें यहाँ पर भी ये पूरा जो है ड्रेनेज सिस्टम पर काम यहाँ पर चल रहा है। यहाँ से ये पूरा सीधा जो है ये समुंदर में जाकर इसको इस ड्रेनेज सिस्टम को मिलाया जाएगा। देखें यहाँ से ये पूरी ड्रेन सिस्टम जो है वो पूरा जाके समुंदर से जाकर लिंक करता है, यानी कि समुंदर पे जाकर मिल जाएगा ये। और इससे काफ़ी ज़्यादा जो फ़ायदा है वो डीएचए की आवाम को होगा। यहाँ पर ये मुकम्मल काम एनएलसी यहाँ पर सरे अंजाम दे रही है, और ये देखे एनएलसी के वर्कर्स भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। ये यहाँ से ये पूरा मुकम्मल काम आखिरी कोने तक दिखाऊँगा, लेकिन शुरू के भी थोड़े से जो काम है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। एनएलसी प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो हैं वो काफ़ी अच्छे मैनेजमेंट के साथ वो काम को लेकर चलते हैं, ताकि काम जो है प्रॉपर तरीके से हो सके। इसी तरीके से यहाँ पर रोड के लेवल के लिए काम किया जा रहा है और ये काम यहाँ पर अभी एंड हो चुका है। यहाँ से पिछले टाइम काम किया गया था, इस वाले नाले के अंदर इस काम को मिलाया गया है। फरहान अली शहीद पार्क भी यहीं पर है, इसकी भी मैं अपडेट आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं।
और एक पूरा मटेरियल जो है वो यहीं पर रखा हुआ है और यहीं पर बन रहा है। मज़ीद अब मैं दूसरे वाले पोर्शन पर चलता हूँ जहाँ पर इस वक्त काम चल रहा है। अब मैं रोड के दूसरे साइड पर मौजूद हूँ। पहला साइड जो मैं आप लोगों को यहाँ से दिखा रहा था ड्रेनेज सिस्टम के जो बाकी जो जहाँ से लाइन इस वक्त आ रही है, अब मैं वो हिस्सा आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ से मैं लेफ़्ट साइड से टर्न लूँगा और अब यहाँ से आप देखें ये तमाम ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर यहाँ से काम जो है मुकम्मल किया जा रहा है और काफ़ी हद तक के अगर आप देखें तो काम यहाँ पर मुकम्मल किया जा चुका है। इसके साथ मैं आप तमाम दोस्तों को ये भी बताऊँ, ये DH है, यहाँ के जितने भी मकानात हैं, यहाँ पर जितना भी कमर्शनल एरिया है उसके साथ इस ड्रेनेज सिस्टम के ना होने से यहाँ पर यहाँ की पूरी आबादी पर 30% तक का लॉस यहाँ पर देखा जा रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है यहाँ से घर छोड़ छोड़ कर दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे थे, क्योंकि यहाँ पर सलाबी सूरत हाल बन जाता था बारिशों के बाइस। लेकिन अब जब यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम का इफ्तिदा किया गया, यहाँ से स्ट्रॉन्ग ड्रेन सिस्टम पिछले 8 महीने पहले स्टार्ट किया गया, जहाँ पर काम इस वक्त काफ़ी हद तक के मुकम्मल किया जा चुका है। इसके बाद यहाँ की जितनी भी आबादी है इस पर एक्स्ट्रा 25% तक का इजाफा हो चुका है और जो ज़मीन लोगों ने ख़रीद कर छोड़ी हुई थी अब उन ज़मीन पर भी काम शुरू कर दिया है। अब वहाँ पर तमाम तर घर बनना शुरू हो गए। तो इस वक्त यहाँ के अगर मैं तमाम ड्रेनेज सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो ये खैबान कासिम DHA वाला रोड है, खैबान इत्तेहाद इसके बराबर वाला रोड है। तो यहाँ पर ये मुकम्मल स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज सिस्टम पर काम काफ़ी तेज़ी के साथ किया जा रहा है, जबकि इसकी बुनियादों की अगर मैं बात करूँ तो ये आप देखें कितने मोटे मोटे इसके ऊपर छत के ऊपर गार्डर रखे गए हैं। देखिए यहाँ से फिर ये लेफ़्ट साइड की तरफ जो ड्रेनिंग सिस्टम है वो यहाँ से टर्न हो जाता है और सामने ही एक्सकेवेटर मशीन और मज़ीद काम करने वाली मशीनें वो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ से मैं थोड़ा सा दिखाऊँ तो ये इस वक्त की यहाँ की सूरत हाल है। मोड़ पर भी इस वक्त काम चल रहा है लेकिन साथ में काफ़ी सेफ्टी के साथ यहाँ पर काम किया जा रहा है और ये मुकम्मल ये सामने एक एक्सकेवेटर मशीन मौजूद है, यहाँ पर एक क्रश को बिछाने के लिए भी मशीन मौजूद है और इसके साथ यहाँ से ये ड्रेनेज सिस्टम टर्न करते कराते यहाँ से यहाँ तक काम को किया गया है। बाकी इस गली से ये सीधा ड्रेनेज सिस्टम यहाँ से आगे की तरफ जा रहा है, जो कि आगे रोड जो है वो बंद है, हम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। बहुत सारे जगह पर इस वक्त काम को मुकम्मल कर लिया गया है, अब टुकड़ों टुकड़ों पर कुछ जगह पर काम बाकी रह गया है जहाँ पर इस वक्त काम को मुकम्मल करने के लिए लेबर इस वक्त काम करते हुए नज़र आ रही है। जबकि आप इस सेंटर में भी आप देखें, ये सेंटर से भी इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज सिस्टम को गुजारा गया है और ये मुकम्मल मैं आप लोगों को बता दूं, इसी वीडियो में मैं आगे नहीं जा रहा, मैं यहाँ से आपको बता दूं, फेज़ नंबर 8, फेज़ नंबर 7, फेज़ नंबर 6 और फेज़ नंबर 1, 2, 3 पर काम को मुकम्मल कर लिया गया है। फेज़ नंबर 4, 5, 6, 7, 8 पर अभी इस वक्त काम जारी है। इसी तरीके से जैसा मैंने आप लोगों को कहा है कि तकरीबन 70 से 72 किलोमीटर की ये सड़क है जहां पर काम को सरे अंजाम दिया जा रहा है। मज़ीद भी अपडेट्स आप लोगों को शेयर करता रहूँगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।